तो बच्चों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के बारे में सीखने वाले हैं कि क्या होता है रैशनल नंबर, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। क्या हुआ, मैं सामने हूँ भाई, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, वो ज़रा मेरी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ऑन रह गई, अभी ज़रा बंद करके प्रकट होते हैं सामने। एक मिनट बच्चों, एक तो लो जी प्रकट हो गया मैं, तो मेरे प्यारों आप देख रहे हो मुझे और मैं देख रहा हूँ आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की क्लास हम सीखने वाले हैं रेशल नंबर के बारे में। रेशल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, तो सुनते हैं जरा। देखिए रेशल नंबर या परिमेय संख्या हम अपॉन की संख्याओं को कहते हैं। किसे कहते हैं? अपॉन की संख्या, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जी ऊपर के नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे के नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं ऊपर के नंबर को अंश और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम हर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/2। अब अगर 1/2 की बात करें तो जो 1 है वो हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश, और जो नीचे जो 2 है वो है हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो वो सभी नंबर जो अपॉन में होते हैं यानी कि, या फिर हम उसे अपॉन में लिख सकते हैं एक अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, उसे ही हम रेशल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की बात करें, 1/2, 2/3, 3/4, 7/9 या 10/11, 100/30 या फिर 20/30, तो ये सारे के सारे नंबर, इन सभी नंबर्स को हम रेशल नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि रेशल नंबर में, ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हम यानी कि न्यूमरेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर की जगह पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसकी जगह पर हम कहीं भी जीरो नहीं रख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लिखते हैं 0/5, तो 0/5 एक रेशल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम इसे उल्टा कर दें यानी कि 5/0 करते हैं, तो 5/0 एक रेशल नंबर नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है रेशल नंबर का डेफिनेशन, तो देखते हैं जरा। रेशल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p by q यानी कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अभी p बटे q का रूप का मतलब है बटे में। जैसे कि एग्जांपल 4/5, तो 4/5 बटे में है, तो ये एग्जांपल हो गया p by q, जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q एक इंटीजर्स यानी कि एक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही नंबर्स हो सकते हैं, जैसे -5, -4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो q है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि यदि अपॉन में जीरो है तो वो संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मुझे ये वीडियो कैसे